Click the subscribe button and press the bell icon for all notifications. हाय बच्चों, मैं आप लोग का विकास सर फ्रॉम बीएल मेमोरियल। आप लोग को चैनल भेजा गया है, उस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो दो वीडियो आप लोग को मिल जाएगा क्लास 8 के मैथ का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 8 इतना पढ़ाया गया है। बचे हुए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आज आप लोग को इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, क्लास 8 के मैथ में आज हम लोग पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड द सम। परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके आपको संख्या का सम बताना है। बहुत ही आसान सा रूल है। परफेक्ट स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है, आइए पहले उसके बारे में डिस्कशन करें। पार्ट नंबर ए मैं आप लोग को बताऊंगा, तीन पार्ट जो बच रहे हैं BCD, ये आपको होमवर्क में करना है। तो पार्ट नंबर ए के थ्रू हम परफेक्ट स्क्वायर के प्रॉपर्टीज के हेल्प से सम फाइंड आउट करेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। पहला पार्ट लेते हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। ये प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे हम इतने ढेर सारे नंबर का योगफल सम तुरंत बता सकते हैं बिना उनको जोड़े। ये प्रॉपर्टी ये होता है, जो आपका प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 1, नेक्स्ट ऑड नंबर जो होता है 1 सॉरी प्राइम नंबर नहीं ऑड नंबर जो 1 होता है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, तो ये कंटिन्यूटी जिस तरह बढ़ती जाएगी तो कितने नंबर तक गई है, आई मीन 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, टोटल जो सम है वो 7 नंबर का है। तो स्क्वायर में 7 नंबर का है तो हम लोग लिख लेंगे 7, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये पूरे दिए गए संख्या का सम आ जाएगा। सम मतलब जोड़ योगफल, कितना आसान है। ऐसे जितनी संख्याएं हैं सबको आप काउंट कर लो, उतने का स्क्वायर कर लो। ये प्रॉपर्टीज है परफेक्ट स्क्वायर का। जैसे इसमें एक बार फिर से बता रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 नंबर है तो हमने 7 का स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर 7, 7 = 49। 7 का स्क्वायर तो आप लोग समझ रहे होंगे, 7 का स्क्वायर 7 × 7, 7, 7 = 49, ये लिख दिया। तो इस तरह से आप इसके BCD पार्ट कर लोगे। आइए बी पार्ट के लिए हम आप लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करवा दें। इसको काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, टोटल 11 नंबर है। एक बार फिर से काउंट कर लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 का स्क्वायर कर देंगे। आप लोग को पता है स्कूल के क्लासेस में मैथ में मैंने स्क्वायर सारे बच्चों को रटाया है लगभग 50 तक, तो 11 का स्क्वायर 121 वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप पार्ट नंबर BCD कर लेंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यूजिंग द प्रॉपर्टीज आप परफेक्ट स्क्वायर फाइंड विच ऑफ विच आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसमें ढेर सारे पार्ट्स हैं। पहला है 3, 4, 5, बी पार्ट्स है आपका 10, 24, 26, सी पार्ट्स है 32, 255 एंड 257 और डी पार्ट है 26, 168, 170।
इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, आइए इसके बारे में पहले हम समझे एक बार। इसमें एक प्रॉपर्टीज है स्क्वायर का, वो आपको यूज करना है, जो कि कल के वीडियो मैंने बताया था, और उसके यूज करके आपको बताना है उसके यूज से कि हमारे दिए गए कौन से नंबर हैं जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है। तो इसको साफ कैसे करेंगे कि दिए गए नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंतर्गत आते हैं कि नहीं, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो कल के वीडियो मैंने बताया था इस चीज को, जो आपके 3 नंबर है, पहले पार्ट को ले लेते हैं 3, 4, 5, 3 नंबर में एक नंबर आपका ऐसा होगा जो दोनों से बड़ा होगा, शेष दोनों से बड़ा होगा। 3, 4, 5 में सबसे बड़ी नंबर 5 है, तो सबसे बड़ी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होना चाहिए शेष बची हुई दोनों छोटी संख्याओं के स्क्वायर के योगफल के, तो 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर। एक बार फिर से इसको आइए क्लियर करते हैं, जो बड़ी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे और जो छोटी दोनों नंबर है उनका स्क्वायर करेंगे और उनको दोनों को ऐड कर लेंगे। अगर ये इक्वल आ गया तो दिया गया नंबर आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंतर्गत आता है, नहीं इक्वल आया तो दिया गया नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंतर्गत नहीं आता है। कल ऐसे मैंने एक क्वेश्चन बताया था, 3 नंबर यदि है आपके पास ABC, तो इसमें जो बड़ी नंबर है उसका स्क्वायर छोटी नंबर के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, यही है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ये बड़ी नंबर होगी इसका ये स्क्वायर छोटी नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए योगफल के। तो 3 का स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए 3, 3 जा 9, 4 का स्क्वायर 4, 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 5, 5 जा 25, 16 एंड 9 दिस इज आल्सो इक्वल टू 25 और ये भी 25। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो सेम टू सेम राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। कुछ ऐसे होंगे पार्ट जिसमें इक्वल नहीं आए, अगर इक्वल आ जा रहा है आपका तो लिख दीजिए LHS इक्वल टू RHS। सो इसलिए जो आपका नंबर है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सो 3, 4, 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कुछ ऐसे इसके पार्ट्स हैं जिसमें इक्वल नहीं आए तो उसमें लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो 3, 4, 5 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसको आप लोग नोट कर लें और अगला एक क्वेश्चन और आज पढ़ लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने के बाद जो अपने विद्यालय बी ए मेमोरियल में बुक लगी हुई है मैथ की क्लास 8 की, वो एक्सरसाइज 1.A का क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के वीडियो आप लोग के पास हो जाएंगे और घर बैठे बैठे आप लोग आराम से उसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। अभी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया है इसके इस वीडियो में पहला वाला क्वेश्चन नंबर 5 वही है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज सम परफेक्ट स्क्वायर एज सम ऑफ कंटिन्यूअस ऑफ कंटिन्यूअस ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। जैसे कि फर्स्ट वाला पार्ट है इसका 81, बी वाला 100, सी है आपका 144, डी वाला है आपका 225। बच्चों इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसे कि पहला वाला पार्ट ले लेते हैं 81, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉपर्टी पढ़ा था 1+2+3 था ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 में 1+3+5 8 नंबर हमें लेने हैं 1 से स्टार्ट करके। क्वेश्चन में भी वही कह रहा है 1 से स्टार्ट करिए, कितने
आठ नंबर का आप सम करेंगे कि दिया गया नंबर आपको मिल जाएगा। तो वन वन के बाद अगला आठ नंबर थ्री आता है, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद आठ नंबर सेवन आता है, सेवन के बाद नाइन, नाइन के बाद इलेवन, इलेवन के बाद थर्टीन। तो क्वेश्चन नंबर फाइव के पहले पार्ट में आपने इस तरह से लिया था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन नंबर, तो सेवन का स्क्वायर आ गया था, सेवन सेवन जब फोर्टीन है, तो ये जो दिया गया नंबर है हम इसको पता कर लिए किसका स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर, 9 का, 9 9 जा 81, तो हमें 9 नंबर इस तरह से लेने हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, अगला 13 के बाद आएगा 15, 15 के बाद आएगा 17, तो ये आपका 9 नंबर हो गया। दिया गया नंबर जिस नंबर का स्क्वायर है 1 से स्टार्ट करके उतने नंबर का हमें, उतने 8 नंबर लेना है, उनका सम कर देना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, तो 100 किसका स्क्वायर, 10 का, तो आपको 1 से लेके 10 ऑड नंबर लेने हैं, उनके बीच में प्लस लगा देने हैं। इस तरह से सारे पार्ट्स बहुत आसान है। हम आशा करते हैं सारे बच्चों को समझ में आया, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा वो आप लोग कमेंट करके लिख देंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।